जलंधर में आज एलिमेंट्री टीचर यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे इन अध्यापकों ने कहा कि सरकार उन्हें महज 5,000 तनख्वाह में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सर्वे करने का काम भी ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें इस काम के लिए जो तनख्वाह दी जाती है वो तो आने जाने के किराए में ही निकल जाती है। उन्होंने मांग की कि उन्हें रेगुलर कर उनकी बेसिक तनख्वाह निश्चित की जाए। उन्होंने RDC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए कहा कि वो शिक्षा के दायरे में आती हैं और उन्हें भी बाकी शिक्षकों की तरह तनख्वाह दी जाए। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। सर अजी EGS AST अध्यापक है, सानू जरा की 5,000 सैलरी मिलती है, साढ़े को काम बराबर रेगुलर टीचर वाला लिया जाता है, पर साडा कोई भी रिटर्न नहीं है। साड़ी मांग यही है कि सानू स्कूलों में पोस्ट रेगुलर पोस्ट क्रिएट की जाए तो बेसिक स्केल लाया जाए ता जो सानू 5,000-2,500 निगुणियां तनख्वाह से काम ना करना पे। आश्वासन यही दिता गया सीगा कि तानू बहुत जल्द जिहड़ा है प्री प्राइमरी क्लासां ते मतलब रेगुलर पोस्ट दिती जाएगी, जो कि अजे तक सानू लारा ही नजर आ रही है। सानू कोई भरोसा नहीं दिता गया। सर दूजा साडा सर्वे दा आ, पहले इन्होंने कहता प्री प्राइमरी क्लासां संभालो, उस तो बाद इन्होंने सर्वे की लैटर कढ़ती ते बाकी सारे जिलों में सर्वे ओन ड्यूटी 9 to 3 हो रहा। साढ़े जिले में सिर्फ 11 बजे तक पहला टीचर स्कूल जाएगा, उस तो बाद जिहड़े उन्होंने पिंड मिले उत्थे जाएगा। पहला तो किराया ला के 5,000 दे विचों स्कूल जावे बच्चों पढ़ावे, उस तो बाद वो सर्वे करन जावे 250 ते 5,000 जिहड़ी तनखाह है वो तो सारी साड़ी सर्वे ते निकल जाती है। तो साड़ी सरकार कोलो मंग है जां ते साडे कोल सर्वे करवा लिया, असीं काम करन तो इतराज नहीं करदे, काम असीं करदे हां, पर ये ना होवे साडे कोल 2-2, 4-4 काम इकट्ठे ले जाण। 290 टीचर है साडे। हां जी, पर सर डीओ सर नहीं मिले, वो कहंदे डीओ सर नहीं है, हुण डीसी साहब को आए हैं कहंदे डीसी साहब भी नहीं हैगे। एक कलारा लाउंदी पई है सरकार मैनूं लगदा। जिनी देर तक डीसी साहब नहीं आते असं इतने ही बैठे हाँ, बाकी असं कह दिए कि यह सिर्फ कांग्रेस सरकार को एक झलक दिखाई है। उस तो बाद जलंधर च सूबा पदरी मीटिंग असं रख रहे हैं, वो अगला संघर्ष जो विढ़ा फिर सारे दसा।